हेलो फ्रेंड्स, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, बट कभी सोचा है व्हाई? माइसेल्फ हरकेशर फिजिक्स गुरु, बट आज बात करने वाले बेसिक मैथ्स के एक सिंपल फंडामेंटल इक्वेशन की। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। चलो, सो इसके लिए पहले तो आपको फैक्टोरियल का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है? पता ही होगा वैसे, इफ आई कंसीडर 2 फैक्टोरियल, मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन कहां तक करना है, टिल नंबर 2। सो यहां पे आप कंसीडर कर सकते हो 1 × 2 इज इक्वल्स टू 2। जैसे 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, वो तो 1 एक ही मतलब टर्म तक मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3, दैट मींस 6। अच्छा, सेम फंडा 4 फैक्टोरियल, चलो तो 1 × 2 × 3 × 4 इज इक्वल्स टू व्हाट माय फ्रेंड, 24। अच्छा, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ 0 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल अगर आपको फाइंड करना है तो रेगुलर मेथड हमें एप्लीकेबल नहीं कर सकते, बट उसका आंसर फिक्स है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, सो डेफिनेटली व्हाई, ठीक है? तो देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि काफी क्वेश्चन से उसके आंसर फाइंड करने के लिए मैं पास्ट में जाना पड़ता है, तो डोंट कंसीडर ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन, कभी-कभार रिवर्स जो भी डायरेक्शन है उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। देखो, तो यहां पे कुछ ना कुछ पैटर्न तो है, तो फाइंड आउट दैट पैटर्न। एज एग्जांपल यहां पे 24 है, अब 24 में से आपको आंसर माय फ्रेंड चाहिए 6, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है? सो अगर यहां पे कंसीडर कर कि 24 divided by 4, then answer is 6, yes or no? Okay, चलो, अब 6 में से आपको 2 answer चाहिए, मतलब कौन सी process करने पड़ेगी, my friend? 6 divided by 3, then 2, yes or no? तो मतलब यहाँ से यहाँ पे jump करने के लिए divided by 3 किया। अच्छा, now same funda, चलो लगता है तो यहाँ पे 2 है आपके पास, उसमें से आपको 1 चाहिए, तो 2 divided by 2, that means answer is 1, yes or no? तो कौन से pattern है my friend? देखो, अगर आपने अभी भी further step यहाँ पे consider किए होता है, तो यहाँ पे होता है divided by 5, divided by 6, divided by 5, divided by 4, divided by 3, divided by 2, and right now my friend divided by 1, तो अगर 1 है, 1 divided by 1, pattern तो change नहीं होगी, definitely वो तो same रहेगी, ठीक है? तो 1 divided by 1, that means answer is 1, तो that's why हम कह सकते हैं कि 0 factorial is equals to 1, so myself, Parkeshwar, thank you very much.